चलिए आज बनाते हैं बहुत ही यमी सा साग। मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे सरसों का साग। हे गाइस, मैं हूँ दीपशिखा, स्वागत करती हूँ आपका अपने नए कुकिंग ब्लॉग पे। तो राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? ये ले लिया है मैंने साग, ये ना मार्केट में ऐसे ही मिल जाता है हमारे उधर, ओटीपाई से मंगाया है। ये है पालक, बथुआ और सरसों, अच्छे से कटा हुआ, बस इसको धुलने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा मैं इसको ना छान लूँगी कि मतलब ये अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। सूंघ के देख रही हूँ कि ये कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है, सड़ा तो नहीं है या फिर स्मेल तो नहीं कर रहा है, कहीं पुराना तो नहीं है। तो ये फ्रेशली कटेड था, रात ऑर्डर किया मैंने, सुबह आ गया। तो इसमें छोटे छोटे से कुछ ना कुछ रहता ही है, दिख ही जाता है। वो सब निकाल लिया है मैंने और अब इसे हम लोग बनाएंगे। तो आज मन कर रहा है सरसों दा साग और मक्के दी रोटी खाने का। मक्के की रोटी का तो मैं वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आज सरसों का साग का शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये साग मैंने धुल के ले लिया है कुकर में, कुकर भर चुका है। इसमें एक गांठ लहसुन की और थोड़े से डाल लिए हैं अदरक के टुकड़े और इसे उबाल लिया है। चार विसल दिया है इसमें और ये देखो इस तरीके से साग पक के तैयार हुआ है, गल गया है। और इसे ना कुछ लोग पीस के बनाना पसंद करते हैं, तो मैं पीसूंगी नहीं, मथनी से मथ लूंगी। इस तरीके से मथ लेंगे इसे ताकि थोड़ा दरदरा भी रहे, बिल्कुल पीसा हुआ ना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा चेंज हो, वरना वही पालक पनीर वाला ऐसा लगता है। तो इसे इस तरीके से मथ लेंगे हम लोग ताकि थोड़ा सा घुट जाए। तो इसे घोट लेंगे हम लोग। इसे मैंने ऑल रख दिया है चूल्हे पे गैस जला के और अब इसे बहुत अच्छे से हम लोग मथेंगे। और देखो इसमें ना जब हम लोग इसको मथेंगे तो इसमें से पानी अलग हो जाएगा, साग अलग होता है। उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम उसमें डालेंगे मक्के का आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मक्के का आटा ले लिया है, उसे पानी डाल के अच्छे से घोल लूँगी और एक स्लरी टाइप की बना लूँगी ताकि वो उसमें जाए तो लम्स ना पड़े। तो इसी में से अच्छे से इसको लम्स को सारे फोड़ लेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। और साग तो बिल्कुल बॉयल अभी भी हो ही रहा है, ये देखिए। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे इस मक्के के आटे के घोल को और बहुत अच्छे से इसे स्टर करते रहेंगे, वरना इसमें गांठ पड़ जाएगी। तो इस तरीके से इसे स्टर करेंगे और थोड़ी देर अब सिम आंच में रख देंगे। अब इससे ना गाढ़ापन हो जाएगा और थोड़ा सा भी फ्लेवर अलग नहीं होगा, क्योंकि इसका तो कॉम्बिनेशन ही होता है मक्के की रोटी के साथ, तो मक्के का ही फ्लेवर आएगा। बेसन डालेंगे तो थोड़ा चीला टाइप का फ्लेवर आ जाता है, वो उतना सही नहीं लगता है। तो ये मैंने मथ लिया है अच्छे से और यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल जैसे गर्म होता है, देखिए सारी सामग्री मैंने तैयार करके रख दी है। ये अदरक लहसुन काट लिया है और लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरा धनिया, हरी मिर्ची। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी, बटर भी डाल सकते हैं आप, मैं घी डाल रही हूँ जब सरसों का तेल से ना महक निकल जाए तब। अब इसे तड़का दे देते हैं। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, पहले जीरे से तड़का देते हैं, जीरा हींग वगैरह डालेंगे, जैसे भी आप लोग तड़का देना पसंद करते हैं कर सकते हैं। इसमें डाल दिया मैंने अदरक और लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन को ना थोड़ा सा काला काला होने देंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे ताकि उसका ना फ्लेवर बिल्कुल अच्छा सा आ जाए कि लहसुन में छोंका हुआ है। ठीक, इसमें डाल दिया मैंने प्याज, एक प्याज है ये, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ब्राउनिश करेंगे। उसके बाद डाल देंगे टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा ला लेंगे। इसमें मसाले हम लोगों को जो भी ऐड करने हैं, इसमें मैंने डाला है बस नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर ही अलग होता है, पंजाबी फ्लेवर आता है, तो गरम मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे थोड़ा सा चलाएंगे और इसे अब मैं ढक के रख दूंगी।
आप लाल मिर्ची का छौंका दीजिए, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि घर पे छोटा सा बच्चा है तो उसे स्मेल जा सकती है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ बनाने के लिए मक्के का आटा भी तैयार करके रख दिया है, लगा लिया है आटा और इसे अब रेस्ट करने के लिए भी रख दिया है। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये। अब मैंने ऐड कर दिया है, जो भी मैंने सरसों का घोल बना के रखा था इसमें मक्के का आटा भी है, इसलिए इसे थोड़ी देर हम लोग बॉईल आने देंगे, 2-3 बॉईल आने देंगे, सो दैट कि उसकी जो महक है सरसों के, वो जो मक्के की आटे का टेस्ट है वो हट जाएगा। और ये देखो क्या यम्मी सा बन के तैयार हुआ है। और अब मैंने इसको सिम करती हूँ और बॉइलिंग के लिए रख देती हूँ। जो भी आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, उसमें कमेंट करके ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना, एक मोटिवेशन मिलता है। इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिए से और हरी मिर्ची से, और इसमें चाहे तो एक और तड़का लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमी लगता है लास्ट में, लाल मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची या फिर लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची का और जीरा वगैरह का आप लगा सकते हैं तड़का। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।